दुनिया में कोरोना वायरस के कारण हाहाकार मचा हुआ है। हर रोज कोरोना वायरस के नए मामले सामने आए हैं। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने कहा है कि कोरोना वायरस का भारत में पहली बार पाया गया डेल्टा स्वरूप अब तक का सबसे संक्रामक प्रकार है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने चेतावनी देते हुए कहा कि अब ये स्वरूप कम से कम 85 कंट्रीज में फैल रहा है। वहीं गरीब देशों में टीके की अनुपलब्धता डेल्टा स्वरूप के प्रसार में सहायक सिद्ध हो रही है। उन्होंने एक बैठक में शामिल होने के बाद कहा कि अमीर देश विकासशील देशों को तत्काल टीका नहीं देना चाहते। उन्होंने कहा वो निराश हैं क्योंकि उनके पास टीके नहीं हैं। घेब्रेयेसस ने कहा अगर टीका नहीं तो आप क्या साझा करेंगे। वही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आगाह किया है कि अगर मौजूदा चलन जारी रहा तो COVID-19 के सबसे अधिक संक्रामक प्रकार डेल्टा के अन्य स्वरूपों के मुकाबले हावी होने की आशंका है। WHO की ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब 85 कंट्रीज में इस स्वरूप के मिलने की पुष्टि हुई है और दुनिया के अन्य देशों में भी इसके मामले सामने आते जा रहे हैं। डेल्टा ज्यादा संक्रामक। WHO ने कहा कि डेल्टा दुनिया भर के 85 कंट्रीज में मिला है। WHO के अंतर्गत सभी क्षेत्रों के अन्य देशों में भी उसके मामले सामने आने का चलन जारी है। कोरोना वायरस से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।